खरगोन शहर में सनावत रोड पर गायत्री मंदिर चौराहे के पास लोहे से भरा पिकअप वाहन पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। लोडिंग टेम्पो चालक बाल बाल बच गया। लोगों ने फंसे चालक को बाहर निकाला। एक अन्य वाहन में एंगल फंसने से लोडिंग पिकअप वाहन पलट गया था। लोडिंग वाहन लोहे के एंगल से भरा था। इस दौरान सनावत रोड पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर यातायात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। टेम्पो पलट गया था सर और यातायात भी अवरुद्ध हो गया था और भारी लोहे का सामान भरा हुआ था। ये कभी मैजिक जो ये लोडिंग रहता है छोटा हाथी टाइप का, इसमें इन्होंने कुछ लोहे के एंगल ले जा रहे थे और पीछे से एक और पिकअप आ रहा था। संभवतः पीछे वाले जो पिकअप था उसने इसको टक्कर मारी, इससे बैलेंस इसका बिगड़ा और ये पलट गया। यहाँ पे कोई जनहानि वगैरह नहीं? अभी तो जनहानि की कोई सूचना भी नहीं और किसी को चोट आई भी नहीं है। सर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर निकाला और ट्रैफिक भी जाम हो गया था, क्लियर किया सर। कितने घंटे तक? जी हाँ, कुछ घंटे की बात नहीं है, अभी 10-10 मिनट की बात है। 10 मिनट में ट्रैफिक क्लियर हो गया है और ये बीच क्या है जंक्शन पे पलटा था तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक को अवरुद्ध किया। बाकी सभी लोगों की सहायता से तत्काल उसके सरिये वगैरह अलग करे और वाहन को उठा के निकाला गया है। मैं थाना व्यवहारी आता है सूबेदार दीपेन सोनकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।